नमस्कार, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, ये झटका दिया है बीजेपी ने। बीजेपी का ये कदम शिवसेना को हिला कर रख दिया है। बीजेपी ने दाव चला है कि अगर आप 7 नवंबर तक अगर यहां पर सरकार नहीं बनाते हैं तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बीजेपी के मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने ये कहा है कि अगर यहां पर ऐसी स्थिति बनी रहती है, शिवसेना जिस तरीके की जिद नहीं छोड़ रही है, अपने पुत्र मोह में पूरी पार्टी को बर्बाद कर रही है और जो महाराष्ट्र की जनता का मैंडेट है उसका सम्मान नहीं कर रही है, तो इसका जो अंत होगा वो राष्ट्रपति शासन के थ्रू होगा। क्योंकि आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे अपने पुत्र मोह में आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 50-50 का फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ये कहें कि 2.5 साल आपको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने साफ सा मना कर दिया है और कहा है कि अगर इस तरीके से शिवसेना अपनी जिद करती है तो हम यहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, जिससे संजय राउत पूरे बौखला गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देने वालों को जनता सबक सिखाएगी। अब समझ सकते हैं कि एक तरफ इन्होंने गठबंधन किया था और गठबंधन करके जब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला है, लेकिन अब ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने 2.5-2.5 साल का कोई फॉर्मूला चुनाव में नहीं देखा था। इसी का शिवसेना में भी लिखा है शिवसेना ने कि राष्ट्रपति तुम्हारी जेब में है क्या, राष्ट्रपति की मुहर वाला रबर स्टैंप राज्य के बीजेपी कार्यालय में ही रखा हुआ है। अगर महाराष्ट्र में हमारा शासन नहीं आया तो स्टैंप का प्रयोग करके बीजेपी राष्ट्रपति शासन का आपातकाल लाद सकती है। इस धमकी का जनता ये अर्थ समझे क्या? तो ये समझ सकते हैं कि ये धमकी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। क्योंकि अगर संविधान के अनुसार वहाँ पर जो बड़ी पार्टी है, जो गठबंधन है, वहाँ पर सरकार बनाने में असफल होती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना ये कानून और संविधान के अनुसार है। लेकिन शिवसेना जो जिद कर रही है वो डर गई है कि शायद अगर राष्ट्रपति शासन लगने की अगर नौबत आती तो उससे पहले ही शिवसेना के ज़्यादातर विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वजह से अब शिवसेना डर गई है, क्योंकि शिवसेना के विधायक नहीं चाहते हैं कि उनका जो उन्होंने बड़ी मेहनत से चुनाव जीता है वो इस तरीके से भेंट चढ़ जाए। सभी जीते हुए सरकार में या अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना का होगा, क्योंकि उसको न तो कांग्रेस समर्थन दे रही है न तो NCP समर्थन दे रही है, और वो फिर अकेले पड़ जाएगी। और बीजेपी अपने आप में बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, 105 विधायक हैं। ये दशकों बाद ऐसा है कि जो इतनी बड़ी पार्टी दोबारा जीत के आई है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और NCP ने तो झटका दिया ही है, अब बीजेपी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिससे शिवसेना पूरे डर कर कांप रही है। और फिर शिवसेना ने जो बीजेपी पर हमला किया था, अब उसका करारा जवाब दिया है बीजेपी के मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने को मजबूर करने वालों को जनता सजा देगी। कुछ राष्ट्रपति शासन को मजबूर कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की नौबत ला रहे हैं। शिवसेना को बीजेपी के मंत्री सुधीर मुंगटीवार का ये करारा जवाब है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाली शिवसेना का वही हाल होने वाला है जो JDS का हुआ था अब कर्नाटक में। अब JDS भी कह रही है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। और आपने देखा कि NDA से टूटकर आंध्र प्रदेश में TDP अलग हुई थी, चंद्रबाबू नायडू अब रो रहे हैं NDA में वापस आने के लिए। शायद वही हाल अब शिवसेना का भी होगा, क्योंकि आपने बिहार में देखा कि नीतीश कुमार NDA से चले गए थे, उन्होंने सरकार भी बना ली थी, लेकिन आखिरकार उनको NDA में वापस आना पड़ेगा। शिवसेना को पता है कि वो न तो कांग्रेस के साथ फिट हो सकते हैं न तो NCP के साथ फिट हो सकते हैं। और यही बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है कि हम क्लियर करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है और जनता ने हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट दिया है, हम अपोजिशन में बैठेंगे। यही बात शरद पवार ने कही, NCP प्रमुख हैं, उन्होंने
जब संजय राउत उनसे मिलने गए थे, समर्थन मांगने की के लिए गए थे, तो कल उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम किसी भी तरीके से शिवसेना को समर्थन नहीं देंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हमें अपोजिशन के लिए मैंडेट मिला है। यही बात एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने कही है। उन्होंने भी कहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने भी यही बात कही कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, शिवसेना को समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता है। और कांग्रेस के बड़े पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी आज ही ये बात क्लियर कर दी कि हम शिवसेना को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देंगे, हम अपोजिशन में बैठते हैं। कहीं बात चल रही थी कि शायद सोनिया गांधी ये विचार कर रही है कि हम बाहर से शिवसेना को समर्थन देंगे, ये सुगबुहार थी, लेकिन अब बात क्लियर हो गई है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि शिवसेना के साथ अगर कांग्रेस जाती है तो कांग्रेस का वोट बैंक खिसक जाएगा, और शिवसेना अगर उसके साथ जाती शिवसेना का वोट खिसक जाएगा। तो यानी दोनों के लिए ये जो गठबंधन है ये बड़ा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, इसलिए दोनों दल तो बड़ी मुश्किल से, इसलिए शिवसेना के बड़े ज़्यादातर विधायक ये चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए। अगर शिवसेना इस में असफल होती है, इस तरीके की जिद करती है, तो शायद विधायकों को जबरदस्ती अपने दल से टूट कर बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो पार्टी, वो विधायक अपनी मेहनत से वहां पर जीत के आए हैं, उसमें बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बीजेपी का जो जनाधार था उसके पास विकल्प नहीं था, केवल उसको शिवसेना को ही वोट करना था, इस वजह से वो जीत के आए हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनका वो वोट बैंक भी खिसक जाएगा। इस वजह से कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने जो झटका दिया, अब शिवसेना तड़प रही है। जो उनका धमकी वाला रवैया था, जो शिवसेना अपने आप को शेर साबित कर रही थी, अब वो गीदड़ जैसी दिख रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को डराने की चाल समझी वो उसमें नाकाम हुए, और बीजेपी ने एक ही बात क्लियर कर दी कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो इसके डर की वजह से शिवसेना अब ये कह रही है कि हमें डराया जा रहा है, ये आपकी जेब में है राष्ट्रपति। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना की स्थिति क्या हो गई है महाराष्ट्र में। वहीं आपको बता दें कि 5 तारीख के लिए वानखेड़े स्टेडियम बुक किया है बीजेपी ने शपथ ग्रहण के लिए। दूसरी तरफ ये बता दें कि बीजेपी ये चाहती है कि अल्पमत की सरकार वो बनाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति उनको ही वहाँ पर आमंत्रण करेंगे सबसे बड़े दल के रूप में, और अगर वहाँ पे वो सरकार बनाती है तो शिवसेना के लोग भी समर्थन दे सकते हैं, वहाँ पर एनसीपी भी समर्थन दे सकती है, जिस तरीके से क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके की स्थिति थी वहाँ पर, कि बाहर से शिवसेना ने तो समर्थन नहीं दिया था, लेकिन वहाँ पर एनसीपी बीजेपी की सरकार को बचाने में कामयाब हो पाई थी। तो शायद अब इतनी बार शिवसेना के विधायक नहीं सह पाएंगे, और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में शिवसेना टूट सकती है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं कि अगर शिवसेना इसी तरह की जिद रखती है तो उनकी पार्टी का टूटना 100% निश्चित है, और जिससे शिवसेना बौखलाई हुई है, और इस वजह से वो सामना में ये कह रही है कि ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता का अपमान तो खुद शिवसेना कर रही है, क्योंकि सबसे उन्होंने इतने विधायक भी नहीं जीते हैं कि वो अपना मुख्यमंत्री का दावा पेश करे, और जिस तरीके से वो तोल मोल भाव कर रही है अपने पुत्र मुंह में, वो जनता देख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और जो बीजेपी का जीतने का परसेंट वो शिवसेना से कहीं ज़्यादा है। शिवसेना 126 पे लड़ी और बहुत कम सीटें जीती, जबकि बीजेपी 150 जीती, उसमें से 105 सीटें जीती। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जीत का आंकड़ा कितना सही है और शिवसेना कितना पीछे। अगर पूरे 288 सीटों पर बीजेपी लड़ती तो शायद उस अपने अकेले दम पर सरकार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने शिवसेना पर भरोसा किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा।
अब अगर शिवसेना इसी तरीके का रवैया अपनाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहां पर 6 महीने वैसे चुनाव तो होंगे नहीं, क्योंकि कोई भी शिवसेना का विधायक ये नहीं चाहेगा कि वहां पर दोबारा चुनाव हो। वो अपना पाला बदल सकते हैं और इसी का डर अब शिवसेना को साफ दिखाई दे रहा है। तो या तो कुछ समय बाद स्थितियां साफ क्लियर हो जाएंगी, शिवसेना अपने आप समर्थन करेगी जो भी अंतिम में उसका जो तोलमोल करेंगे उस पर, लेकिन ये बात तय है कि शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी ने बड़ा झटका दे दिया है। अब बीजेपी ने भी उसको आईना दिखाना शुरू कर दिया है कि हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो लगने दो, फिर तुम्हें अगले चुनाव में जनता माफ़ नहीं करेगी। तो देखते हैं शिवसेना के विधायक क्या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।